हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपुस किचन। आज का रेसिपी ग्रीन वेलवेट केक। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक ग्लेस ग्रीन वेलवेट केक बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 200 ग्राम मैदा, 60 ग्राम मिल्क पाउडर, 100 ग्राम पीटी शक्कर, 60 ml मेल्टेड बटर, 100 ml मिल्क, 1 चम्मच पिस्ता फ्लेवर का ग्रीन फूड कलर यूज़ करूँगी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा काजू और बारीक चॉप करके रखा आलमंड, काजू और पिस्ता, 1 चम्मच किशमिश। केक मोल्ड ले लिया, उसमें ऑयल ब्रश कर देती हूँ। ऑयल बटर जो चाहिए ग्रीस कर लेने का अच्छी तरह से, और साइड में रख देती हूँ। एक बड़ा बाउल और स्टेनर ले लिया, जो मैदा लिया वो ऐड कर देती हूँ, और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा वो भी ऐड कर देती हूँ, और अच्छी तरह से छान के रेडी कर लेती हूँ। ऐसे छानने से अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा और कुछ लम्स रहेगा तो वो भी निकल सकते हैं अलग से, जो गुटलियाँ हैं वो निकल देती हूँ। एक बड़ा बाउल ले लिया, मेल्टेड बटर ऐड कर देती हूँ, और जो पीटी सक कर लिया वो भी ऐड कर देती हूँ, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मेल्टेड बटर और पीटी शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी जो मिल्क लिया वो भी ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा बाद में ऐड करूँगी, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। जो पिस्ता फ्लेवर का ग्रीन फूड कलर था ऐड कर देती हूँ, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। फूड कलर ऐड करके मिक्स कर लिया। अभी जो मिल्क पाउडर लिया वो ऐड कर देती हूँ, वो भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। अभी जो सूखा इंग्रेडिएंट्स छान के रखा था वो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाऊँगी और मिक्स करते जाऊँगी। मैं माइक्रो ओवन में बेक करूँगी, इसके लिए माइक्रो ओवन को 180 डिग्री में 10 मिनट्स प्री हीट करने के लिए रख दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, थोड़ा गाढ़ा लग रहा है इसलिए जो बचे हुए मिल्क था वो ऐड कर देती हूँ, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। अभी जो ड्राई फ्रूट्स मैं लिया था वो ऐड कर देती हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और जो केक मोल्ड पहले से ही मैं रेडी करके रखा था उसमें ऐड कर देती हूँ। और टैप कर लेती हूँ। केक मोल्ड तैयार हो गया, मेरा माइक्रोवेव भी प्री हीट हो गया। अभी 180 डिग्री में 30 मिनट्स बेक करके केक को रेडी कर लेती हूँ। अब बेक होने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया। केक बेक हो गया, अभी ठंडा होने के लिए 10 मिनट्स छोड़ देती हूँ। केक ठंडा हो गया, अभी डीमेल्ट कर लूँगी। पहले एक नाइफ से साइड को छुड़ा लेती हूँ। जो बटर पेपर
नीचे लगाया था और निकाल लेते हो। देखिए कितना बढ़िया स्पॉन्ज केक, ग्रीन वेलवेट केक बनके रेडी हो गया। ग्रीन वेलवेट केक बनके रेडी हो गया, एक खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये पिस्ता फ्लेवर को बनाया, देखिए कितना स्पॉन्जी और कितना अच्छा कलर आया। टेस्टी ग्रीन वेलवेट केक बनके रेडी हो गया, ऐसे ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाया। आप लोग बनाइए, आप लोग को अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।